सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुमसे मैंने कहा कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने किया सब कुछ, मुजरिम है वो मेरे। तुम घर आ गई? आना नहीं चाहती थी, घिन आ रही थी तुम सबसे, लेकिन तुमने मुझे कहीं जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। तुम मुशीरू की बात पे यकीन मत करना, बाबा साहब को आने दो अभी। आई एम श्योर वो झूठ बोल रहा। नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा, तुम सच सुनना नहीं चाह रहे। जहन्नुम बना के रखती तुमने मेरी जिंदगी, और मैं इस जहन्नुम में चुपचाप इसीलिए जलती रही क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे शर्त से बचने के लिए मेरी मौत को मेरी जिंदा रहने पे फोकियत दी। मगर कुदरत ने भी क्या अजीब खेल दिखाया ना, मेरी मौत भी तुम्हारे बाप की दी हुई थी, तुम्हारे बाबा साहेब जो दुनिया की हर चीज पे दस्तरस रखते हैं, वो शख्स एक खूनी है। बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। क्या क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? बात बात पे बंदूक निकालना, डराना, धमकाना, अगवा करना, हर हद पार कर दी तुमने। अब मैं भी देखती हूँ अपने बाबा साहब के साथ क्या करोगे। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तुमसे मैंने कहा कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने किया सब कुछ, मुजरिम है वो मेरे। तुम हजार बार भी मना करोगे तो मैं यही कहूंगी, गुनेगार है वो मेरे, तुम सब गुनेगार हो मेरे। चुप हो जाओ। नहीं करूंगी चुप, नहीं होंगी खामोश, समझ के रखे तुमने मुझे। ठीक है, तुम्हें उस मुलाजिम की बात पे यकीन नहीं है ना, अपनी माँ की बात पे यकीन करोगे? खुद मेरे सामने एतराफ करके गई है वो। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोल रही हूँ मैं, तुम्हारी माँ भी इसी घर में मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारे बाबा साहब को पता चल गया तो वो उन्हें रास्ते से हटाने का कोई ना कोई मंसूबा जरूर बना लेंगे। मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और तुम्हारे पूरे खानदान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। Assalamualaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.